हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ऑटो कार में। दोस्तों, क्या आप लोग 2023 में एक ऐसी कार लेने का सोच रहे हैं जो कि 5 सीटर हो, कम प्राइस रेंज के अंदर आती हो, अच्छा माइलेज प्रोवाइड करके दे, प्रीमियम से लुक्स देखने को मिल जाए एंड जो इंटीरियर है वो भी आप लोगों को कुछ हद तक अच्छा देखने को मिल जाए? तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाला हूं कम प्राइस रेंज के अंदर आने वाली मारुति सुजुकी की एक ऐसी अफोर्डेबल कार जो कि है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। एंड ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं वो है VXi वाला, जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू वॉकर एंड वॉक शूट करने वाला हूं एंड आप लोगों को बताने वाला हूं इस कार के 2023 के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है। एंड दोस्तों, जो अपडेटेड है वो है BS6.0 E20 के नाम से आता है, OBD फेस 2 वाला वेरिएंट है जो कि टोटली अपडेट है। E20 का मतलब ये है कि इसमें आपको 20% इथेनॉल की वैरायटी देखने को मिल जाती है पेट्रोल के साथ में। तो शुरुआत करते हैं इस कार की चाबी से, जो कि आपको नॉर्मल सी देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कोई भी आपको यहाँ पर सेंटर लॉकिंग का फंक्शन देखने को नहीं मिलता। एंड आप आ जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल लुक पर, तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको ग्रिल देखने को मिलती है वो पूरी हनीकॉम डिज़ाइन के साथ में आती है। मैट ब्लैक टेक्सचर को यूज़ किया गया, फाइबर बॉडी के साथ में यूज़ किया गया जो कि अच्छा है। एंड यहीं पे आपको नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिलता है, लोअर ग्रिल भी देखने को मिल जाएगी, इसकी प्लेट आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर साइड में देखेंगे सुजुकी का लोगो है, प्लेन फिनिशिंग देखने को मिलती है, कलर्स के साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है जो कि रेड वाला है। हेडलाइट की बात करें, यहाँ पर आपको हेलोजन बेस पूरा हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है, विजिबिलिटी आपको नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है थ्रोइंग के साथ में। एंड जो इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन बेस देखने को मिलेंगे। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है जिससे एक अच्छा सा लुक प्रेजेंट करती है कार देखने पर। एंड अब चलते हैं बोनेट एरिया के ऊपर साइड में, तो यहाँ पर आपको डुअल मैट ब्लैक फिनिशिंग के वाइपर्स देखने को मिलते हैं एंड बोनेट पे ही आपको सिंगल वॉशर्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है जो कि सेंटर में है। बोनेट की बात करें तो यहाँ पर आपको हल्के हल्के से कर्व्स डिज़ाइन देखने को मिलती है जिससे एक अच्छा लुक आता है एंड कार बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। फ्रंट से मैं आप लोगों को इस कार की चौड़ाई बता दूं जो कि है 1490 mm की, एक अच्छे रोड प्रेजेंस के साथ में आती है एंड जो चौड़ाई है वो भी लोगों को पसंद आती है। साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो साइड से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लुक देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल से हैं लेकिन बहुत ही सोबर हैं। एंड यहाँ पर आपको जो ORVM देखने को मिलते हैं वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में देखने को मिल जाएंगे। मैट ब्लैक टेक्सचर को यूज़ किया गया है, इसको आप अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप फेंडर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं टायर्स एंड व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं जो कि जैकी टायर्स की तरफ से आते हैं एंड जिनका टायर साइज है 145/80R 13 inches के स्टील व्हील्स के साथ में देखने को मिल जाएंगे। एंड ये पूरी आपको कवरिंग देखने को मिलती है, सिल्वर फिनिशिंग की है, सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड अब चलते हैं रूफ की तरफ, तो ए ब्लेयर आपको पूरा बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा, रेड फिनिशिंग के साथ में आता है, बहुत ही प्रीमियम से लग रहा है। रूफ में आपको दिखा दूँ कुछ इस प्रकार की है, डिज़ाइन कट्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको देखने को मिलता है पावर एंटीना जो कि सेंटर में यूज़ किया गया है। एंड अगर बात कर ले डोर हैंडल्स की, तो यहाँ ये भी आपको पूरे बॉडी कलर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको की का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, मैन्युअली आप डोर को ओपन कर सकते हैं। बी ब्लेयर भी पूरा बॉडी कलर्ड है। एंड बैक साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में 27 लीटर की। ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है पूरा साइड का प्रोफाइल। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार के साइड से डायमेंशन बता दूँ, तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3530 mm की, हाइट 1520 mm की है, व्हील बेस 2480 mm का है एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ट्रैवलिंग सस्पेंशन भी ठीक ठाक यूज़ किया गया है जिसकी वजह से आप इस कार को कंफर्टेबली कहीं पर भी राइड कर सकते हैं। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार का एक्शोरूम प्राइस बता दूँ जो कि है 5,06,000 रुपये के अप्रॉक्स में एंड जो ऑनर प्राइस है लखनऊ का वो है 5,75,000 रुपये के अप्रॉक्स में, जिसके अंदर आप लोगों को VXi वेरिएंट कंपनी प्रोवाइड करती है वो भी फीचर्स के साथ में। तो आ जाते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, रियर से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मस्कुलर से लुक देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो सुजुकी का लोगो है, नीचे देखेंगे यहाँ से आप बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं मैनुअल की के माध्यम से, ऑल्टो K10 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है जो कि बॉडी कलर है, शॉर्ट सा यूज़ किया गया स्पोर्टी वाला, हाइमोस स्टॉप लैंप है, डिफॉगर का प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड बात कर ले टेल लाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेम फ्रंट के जैसे ही पूरा आपको हेलोजन बेस टेल लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी थ्रोइंग के साथ में आता है, विजिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है नाइट के टाइम पर। एंड नीचे देखेंगे रियर का पूरा बंपर एरिया देखने को मिल जाएगा एंड डिज़ाइन कट्स आपको देखने को मिलती है जिससे एक अच्छा लुक आता है। रियर पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, डुअल नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं नीचे से भी आपको प्रोफाइल दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार की है, एग्जॉस्ट मफलर है, ट्विन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर साइड में एंड बूट स्पेस को ओपन करते हैं मैनुअल की से, उसके बाद मैं आप लोगों को बूट स्पेस भी एक बार दिखा दूँ कितना कंपनी ऑफर करती है। तो चलिए बूट स्पेस को ओपन करते हैं, यहाँ पर की का प्लेसमेंट है, इसको लगाकर ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी बूट स्पेस दोस्तों ऑफर करती है वो है 214 लीटर कैपेसिटी के साथ में, अच्छी खासी आपको कैपेसिटी देखने को मिलती है। कंफर्टेबली आप यहाँ पर लगेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। एंड दोस्तों जो रियर की सीट्स है सेकंड रो वाली, उसको आप 60-40 रेशियो में
फ्लिप भी कर सकते हैं जिसकी वजह से स्पेस और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड ये पैड है जिसको आप उठाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील विद टूल किट का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। एंड आप देख ही रहे होंगे जो सीट्स है सेकंड रो वाली वो फ्लिप की गई हैं, तो एक बार मैं सही कर देता हूँ। अगर आप सामान को और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो फ्लिप कर सकते हैं, एक ये फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब मैं इसको बंद करता हूँ एंड बढ़ता हूँ अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ और देख लेता हूँ क्या क्या यूज़ किया गया है। तो कुछ इस प्रकार का है पूरा रियर का प्रोफाइल जो कि मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ और देख लेते हैं सेकंड साइड्स के पूरे लुक्स को। तो ये भी आपको पूरे सेम ही देखने को मिलेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है। ओवरऑल दोस्तों चारों तरफ का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार का है, VXI मॉडल है, सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। एंड अब चलते हैं इस कार के सेकंड रो केबिन की तरफ एंड देखते हैं डोर पैनल सीट कंफर्ट या फिर जो सेकंड रो की लेग स्पेस है वो कैसा देखने को मिलता है। तो ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आपको जो डोर पैनल देखने को मिलेगा सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी आपको देखने को मिल जाती है जो कि पूरी टेक्चरेटेड है सॉलिड फिनिशिंग के साथ में आती है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा मैट ब्लैक फिनिशिंग में। नीचे आपको रोलर देखने को मिलता है जिससे आप विंडो को अप डाउन कर सकते हैं। हैंड ग्रिपर है, शॉर्ट आर्म रेस्ट है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का पूरा डोर पैनल। एंड अब चेक कर लेते हैं सेकंड रो केबिन की सीट्स को या फिर लेग स्पेस को। तो सीट्स की बात कर ले, ब्लैक फैब्रिक एपॉक्सी के साथ में आपको डुअल टोन फिनिशिंग वाली सीट्स देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स यूज़ की गई हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा यूज़ किया गया पैसेंजर्स के लिए। एंड बूस्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, सीट बेल्ट्स भी, बैक रेस्ट भी अच्छा खासा है, फिक्स वाले हेडरेस्ट यूज़ किए गए हैं, आर्मरेस्ट यूज़ नहीं किया गया है। डोर पैनल सेम ही देखने को मिल जाएगा, हैंड ग्रिपर देखने को मिल जाता है सेकंड रो में। एंड ऊपर आप रूफ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है प्लेन सी। लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी अच्छा खासा यूज़ किया गया, कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी लेग स्पेस को लेकर। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है लेग स्पेस। बॉटल होल्डर का स्पेस भी देखने को मिल जाएगा सेकंड रो में। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट रो की तरफ एंड देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। एंड आ जाते हैं ड्राइवर साइड में, तो यहाँ पर आपको मैनुअल की का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आपको डोर पैनल सेम ही देखने को मिल जाएगा, सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। वही हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, पूरी टेक्चरेटेड है सॉलिड फिनिशिंग के साथ में आती है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। एंड यहाँ पर आर्मरेस्ट है, हैंड ग्रिपर है, डोर ओपनर आपको सेम देखने को मिलता है। मैनुअल एडजस्टमेंट करने के लिए ORVM के लिए पूरा स्विचेस दिया गया जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नीचे स्पीकर ग्रिल है, बॉटल होल्डर पेपर होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों डोर पैनल आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं फ्रंट टू केबिन या फिर फ्रंट टू केबिन की सीट्स को। तो कुछ इस प्रकार का आपको पूरा देखने को मिलेगा, सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है फ्रंट टू केबिन। एंड सीट्स आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगी, ब्लैक फैब्रिक अपॉसिटी वाली डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आती हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स यूज़ की गई, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, साइड के बूस्टर्स हैं, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, फिक्स वाले हेडरेस्ट हैं। नीचे आपको लीवर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप सीट को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये रोलर है जिससे आप सीट को आगे पीछे करेंगे। बूट स्पेस एंड फ्यूल टैंक ओपन करने का लीवर है। ABC पैडल्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट बोनेट को ओपन करने का भी यहाँ पर आपको लीवर देखने को मिलता है। हेडलाइट लेवल को कंट्रोल करने का स्विच है। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के स्विचेस वाले पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, रिंग शेप में है, मैट ब्लैक फिनिशिंग वाले। ओवरऑल दोस्तों फ्रंट रो केबिन का जो डोर पैनल है, सीट कंफर्ट्स है, वो आपको बहुत ही अच्छा सा देखने को मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आता है। तो चलिए अब कार के अंदर लगाते हैं चाबी को एंड बैठते हैं फ्रंट रो केबिन के अंदर, वन बाय वन करके सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं फ्रंट रो केबिन के। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा आपको फ्रंट रो केबिन देखने को मिलता है। डैशबोर्ड भी बहुत ही अच्छा सा है, ब्लैक इंटीरियर के साथ में आता है। एंड यहाँ पर आपको 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है जो कि नॉन लेदर रैप्ड है VXI वेरिएंट के अंदर। एंड जो ग्रिपिंग है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, अच्छी से ग्रिपिंग कर सकता है जो ड्राइवर रहेगा। यहाँ सेंटर में आप देखेंगे सुजुकी का लोगो है, एयरबैग की बैजिंग है। एंड यहाँ पर आपको बटन्स एको नहीं देखने को मिलेंगे, कोई भी बटन्स यूज़ नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा डिज़ाइन के साथ में आता है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इधर साइड में इंडिकेटर हेडलाइट के पूरे कंट्रोल्स हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड चेक करते हैं स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट करने का माउंटिंग है कि या नहीं। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का माउंटिंग देखने को नहीं मिलता है जो कि कंपनी को इंक्लूड करना चाहिए था, जिससे ड्राइवर को अच्छा रहता, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता था स्टेयरिंग व्हील। एंड अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। एंड ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिल जाएगा। एंड पहले मैं वॉल्यूम को धीमा कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, येलो लाइटिंग के साथ में आता है। सभी चेक लाइट्स इंफॉर्मेशन आपको इसी के अंदर देखने को मिलती हैं जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। स्टॉस के डुअल बटन दिए गए हैं जिससे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट में, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ऊपर आप देखेंगे स्पीडोमीटर है डिजिटल में, नीचे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसी पे आपको एवरेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिजिटल टाइमिंग जो होती है एंड फ्यूल इग्निशन, वो सभी आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक के बटन है जिससे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे इसको तो ये देख सकते हैं रेंज आ जाएगी एंड जो ट्रिप ए ट्रिप बी
और भी जो फंक्शन है वो आप सभी देख सकते हैं, ऑल चेक लाइट्स देखने को मिल रही होंगी, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, अच्छा लगता है देखने पर। एंड अब चलते हैं सेंटर कॉन्सोल की तरफ, तो सेंटर कॉन्सोल कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखेंगे डुअल एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आते हैं। एंड यहाँ पर आपको म्यूजिक का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है जो कि 4 स्पीकर के साथ में आता है, ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी जैसे पॉइंट्स को। यूएसबी को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट बनाए गए हुए हैं। एंड यहाँ पर बटन्स देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए डायलर देखने को मिलते हैं, ऑल बटन्स यूज किए गए हैं जो कि टेलीकॉलिंग के हैं, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। एंड यहाँ पर आप देखेंगे पावर विंडो के कंट्रोल हैं जो कि फ्रंट रो केबिन के केवल यूज किए गए हैं, पावर विंडो के अप डाउन है, हेजालाइट का स्विच है, नीचे मैनुअल एसी के पूरे आपको बटन्स देखने को मिलते हैं जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं एसी को अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक और सॉकेट बना हुआ है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा स्पेस है, डुअल कप होल्डर है। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है जो कि अच्छे गियर लूप्स के साथ में आता है, कंफर्टेबली ग्रिप कर सकता है ड्राइवर। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। डैशबोर्ड की बात करें तो पूरा ब्लैक फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलता है जो कि आता है, हार्ड पाइप प्लास्टिक बॉडी के साथ में टेक्चरेटेड है, सॉलिड सी फिनिशिंग देखने को मिलेगी। एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे को ड्राइवर साइड में। एंड नीचे देखेंगे तो ग्लो बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड में यूज किया गया है। एंड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यूज की गई जिससे एक अच्छा लुक आता है देखने पर। एंड को ड्राइवर साइड की सीट भी आपको सेम ही देखने को मिलती है, डोर पैनल भी सेम ही देखने को मिलेगा। ऊपर देखेंगे हैंड ग्रिपर है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो वैरायटी पैड देखने को मिलता है, एयरबैग की बैजिंग है। एंड यहाँ लाइटिंग की पोजीशन यूज की गई है, यहाँ पर आपको IRVM देखने को मिलता है डे नाइट वाला जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड में भी आपको वैरायटी पैड देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा फ्रंट रो केबिन जो कि बहुत ही अच्छा है इस वेरिएंट के अंदर। एंड प्राइस रेंज है उसके हिसाब से कंपनी सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही है इस VXI मॉडल के अंदर। एंड अब मैं आप लोगों को सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स बता दूं, तो इस कार में आप लोगों को डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, हील होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग के जो सेंसर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। कैमरा इस कार में नहीं आता लेकिन आप एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं रियर वाला। एंड डुअल डिस्क देखने को मिल जाएंगी, फ्रंट व्हील्स में यूज की गई है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है, सेफ्टी अच्छी है एंड बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब कार को करते हैं बंद एंड चलते हैं फ्रंट में और बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 1 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि आता है 998 cc के साथ में, जो कि टोटली अपडेट कर दिया गया है OBD फेस 2 के साथ में, जिसे कहते हैं BS 6.0। एंड इसमें आपको जो पावर देखने को मिलती है वो आती है 66.6 PS की। एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 89 Nm की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं जिससे जो माइलेज निकल के आता है वो आता है 24 से 25 KMPL का। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूँ मैं इंजन क्वालिटी की तो इंजन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी पिकअप एंड पावर के साथ में आता है। 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाला यूज़ किया गया जो कि के सीरीज का है। एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, अदर कंपैरिजन आप करते हैं 1 लीटर पेट्रोल इंजन से तो आपको यहाँ पर स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर पूरी कार के बारे में बात करें तो कार बहुत ही अच्छी है, कम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आती है, सभी फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करती है। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।